साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण ऐसा है जो अपने साथ कई अबूझ पहेलियां ला रहा है। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। दुनिया भर के देशों की स्पेस एजेंसीज भी इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी इस लगने वाले साल के पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर चौकस है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा पहला सूर्य ग्रहण है जो भारत के सूर्ययान यानी आदित्य L1 के कक्षा में स्थापित होने के बाद लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण है। ऐसे में इसे लेकर हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का जो सूर्ययान सूर्य की कक्षा में स्थापित है उसे लगने वाला सूर्य ग्रहण देख नहीं पाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा कौतूहल खड़ा कर रहा है, क्योंकि आदित्य L1 सूर्य की उस कक्षा में स्थापित है जहां पर उसकी नजरों में 24 घंटे सूर्य रहता ही है, यानी आदित्य L1 कभी सूर्यास्त देख ही नहीं पाता। लेकिन इसके बावजूद उसका सूर्य ग्रहण न देख पाना आम लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसा क्यों होगा और इसके पीछे क्या वजह है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण होने के साथ साथ पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होगा, जिसका प्रभाव अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान तीनों जगहों पर गहरा अंधेरा छा जाएगा। ये सूर्य ग्रहण जिस समय लग रहा है उस समय भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सुदूर अंतरिक्ष में सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक पूरे महाद्वीप में नजर आने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय वेधशाला से नहीं देखा जा सकेगा। इस सूर्य ग्रहण की छाया जिस पथ और टोटलिटी पर बढ़ेगी वह 181 किलोमीटर चौड़ी होगी और तीन देशों मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा से होकर गुजरेगी। लेकिन आपको बताते चलें कि आदित्य L1 जिस कक्षा में स्थापित है वहां पर कभी सूर्यास्त नहीं होता, यानी सूर्य हमेशा 24 घंटे इसके सामने प्रकाशवान रहता है। यही कारण है कि आदित्य L1 की नजरों से सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, क्योंकि उस दिन चांद पृथ्वी के करीब होता है और इतने करीब होता है कि वह हमें सूर्य के आकार का नजर आता है। इसी वजह से जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य का एक रिंग ही हमें दिखाई देता है। दुनिया में सूर्य ग्रहण की घटना हर 18 महीने में होती है, लेकिन यह हर बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ही दिखाई देती है। यानी कहीं अगर ग्रहण दिखे तो जरूरी नहीं कि वो ग्रहण भारत से भी दिखाई देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।